मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। इसमें मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स इंजरीज आर दोस इंजरीज विच अकर्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ऐसी इंजरीज जो स्पोर्ट्स के दौरान हमें लगती हैं उनको हम स्पोर्ट्स इंजरीज बोलते हैं। आज हम इसमें जो पढ़ेंगे वह है कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, मीन्स किन किन कारणों की वजह से हमारे बॉडी में या हमें स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पुअर फिजिकल फिटनेस। अगर हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं होगी, यानी कि हम प्रॉपरली फिट नहीं होंगे, फिजिकली फिट नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल फिटनेस है वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्यूरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट कम हो जाएगा तो आपकी फिटनेस कम हो जाएगी, और फिटनेस कम होगी तो आपकी बॉडी में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है पुअर कंसंट्रेशन। पुअर कंसंट्रेशन का मतलब है कि अगर आप सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी एक्टिविटी के ऊपर, या आपका ध्यान कहीं और है, तो वहाँ पर आपको इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है नॉट परफॉर्मिंग वार्मिंग अप। वार्मिंग अप मैंने आपको बताया था कि ये प्रायः एक्सरसाइज होती है किसी भी कॉम्पिटिशन से पहले जो हम करते हैं, ताकि हमारी जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाए, है ना। अगर हम ये प्रॉपर वार्म अप नहीं करेंगे तो इसकी वजह से भी हमारी मसल्स एक्टिव नहीं होंगी तो उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है इक्विपमेंट फेलियर का मतलब है कि अगर आप खेल रहे हैं और खेलते खेलते आपका इक्विपमेंट टूट जाए या टियर हो जाए या ख़राब हो जाए, उसकी वजह से भी आपको इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है पार्टी स्किल एक्शंस का मतलब यह है कि अगर आपके कोच ने जो आपको स्किल्स बताई है, जो तरीका बताया, आप उसको छोड़ के अगर आप गलत तरीके से उस एक्टिविटी को करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है पुअर प्ले फील्ड का मतलब यह है कि अगर आपका जो प्ले फील्ड है वो अनइवन मीन्स उबड़ खाबड़ है, या वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है एग्रेशन एंड वायलेंस का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई खिलाड़ी हार रहा होता है या जो एम्पायर और रेफरी होते हैं उसके फेवर का डिसीजन नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से वो एग्रेसिव होने की वजह से वो ग्राउंड पर वायलेंस करने लगता है। वायलेंस करने की वजह से या तो वो अपने आप को या अपोनेंट को हार्म करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है नॉट वियरिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स। हर गेम के लिए कुछ प्रोटेक्टिव गार्ड्स मीन्स कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको इंजरीज से बचाते हैं। जैसे क्रिकेट में आप ग्लव्स पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, है ना, पैड पहनते हैं। अगर ये आप प्रोटेक्टिव गार्ड्स को इग्नोर करेंगे, इनको नहीं पहनेंगे, तो वहाँ पर आपको इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है ओवर स्ट्रेस एंड टेंशन। अगर आप स्ट्रेस लेकर के या टेंशन के साथ खेलेंगे तो आप एक्टिविटीज के ऊपर प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज का मतलब ये है कि अगर आपने जो इंजरी आपको हुई है उसका प्रॉपरली आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया या इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है, अभी आपकी जो इंजरी है वो हीलअप नहीं हुई है और आप दोबारा से खेलने आ गए हैं, तो उसमें फर्दर इंजरी होने के चांसेस या उस इंजरी की सीवियरिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर गेम में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। अगर हम उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है बैड वेदर कंडीशंस का मतलब है अगर हम एक्सट्रीम कोल्ड वेदर या एक्सट्रीम हॉट वेदर में खेलेंगे तो वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है बैड लाइट का मतलब यह है कि अगर हमारे जहाँ हम खेल रहे हैं वहाँ पर रोशनी सही तरीके की नहीं है तो वहाँ पर इंजरी होने के